हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में जाना था। तो उसमें हमने जाना था कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, कब की थी, गौतम बुद्ध को कब ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी मृत्यु को किस नाम से जानते हैं, फिर उनके जन्म का प्रतीक क्या है, फिर उनके ज्ञान का प्रतीक क्या है। फिर उसके बाद हमने हमने जाना कि उनके जो बौद्ध संगीतियाँ हुई, चार बौद्ध संगीतियाँ हुई, वो कहाँ कहाँ हुई, कब कब हुई, कौन से राजा के टाइम पे हुई, कौन अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यह वीडियो आपके लिए UPSC, State PSC और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी होगा। तो इसको ध्यान से देखें और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैन धर्म, जैन धर्म की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है जिन शब्द से, जिन शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के बारे में अगर बात करें तो बात करते हैं कि हम संस्थापकों को क्या कहते हैं, इनके संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। जो महात्मा लोग थे, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव को ऋषभनाथ आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनके अन्य नाम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो वाराणसी से इनका संबंध है। इनका जन्म काशी में हुआ था। पिता थे अश्वसेन और इनको सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब बात करें तो पार्श्वनाथ ने क्या किया था कि चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। तो उसमें थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इनको हम चार आर्य सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24वें तीर्थंकर जो कि अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इनका नाम था महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे तो महावीर के जन्म स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ? कुंडग्राम में। कब हुआ था? 599 BC में। पिता का नाम था सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। माता थी त्रिशला, विदेह दत्ता भी कहते हैं इनको, और ये लिच्छवी के चेटक बहन थी। बचपन का नाम था इनका वर्धमान। पत्नी का नाम इनके यशोदा जो कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। पुत्री का नाम था इनके अयोध्या या प्रिय दर्शना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दामाद इनके जो थे उनका नाम जमाली था। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी हैं, इनका उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिलेगा। आप अगर ऋग्वेद का अध्ययन करें, ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो उसमें ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी का भी उल्लेख मिलता है। अब जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है ये भी ध्यान होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुका पहले। तो जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति है उसे कैवल्य कहा गया है। ठीक है, तो महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। महावीर स्वामी जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? द्रम्भिक ग्राम में ऋजुपाल के नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिसको हम जैन ग्रंथों में कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, तो द्रम्भिक ग्राम था, ऋजुपालिका नदी है, उसके किनारे पे साल का वृक्ष था, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनको केवलिन कहा गया है, अरहत कहा गया योग्य, जिन कहा गया विजेता और निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ क्या है? केवलिन, अरहत, जिन विजेता, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके जो पहले शिष्य थे, पहले शिष्य कौन थे? जमाली कौन है? ये इनके दामाद हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये इनके दामाद थे। ठीक है, जमाल से थोड़ा सा मतभेद हो गया था। मतभेद क्या था कि वो महावीर स्वामी कहते थे कि कार्य करते ही पूरा हो जाता है, क्रियामाण कृत
सिद्धांत की बात करते थे महावीर स्वामी, लेकिन जमाल कहते थे कि बहुतरवाद मतलब कार्य पूरा होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, इसका इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैन धर्म में जो दूसरा विद्रोह होता है वो तीसगुप्त के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के बारे में जानते हैं। तो आजीवक संप्रदाय जो है मखली घोषाल इसके संस्थापक रहे हैं। मखली घोषाल मखली के पुत्र थे ये, और गोशाल का मतलब होता है गौशाला, गोशाल का मतलब ऐसे संधि विच्छेद कर दें तो कैसे गो प्लस साल। ठीक है, तो गौशाला में इनका जन्म हुआ था इसलिए इनको गौशाल बोला जाता है, और मखली के पुत्र थे इसलिए मखली गौशाल है। ठीक है, मखली पुत्र गौशाल पूरा नाम इनका है, मखली पुत्र गौशाल। मखली पुत्र गौशाल, ठीक है, इस तरीके से इनका पूरा नाम क्या है, मखली पुत्र गौशाल, इतना ध्यान रखना है। जो आजीवक संप्रदाय का मत था वो क्या था, नियतिवाद, नियतिवाद पर आधारित इनका मत था। और नियतिवाद क्या है, नियतिवाद है कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वो भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। इस मत का, इस संप्रदाय का एक मत था कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वो भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित होती है। ठीक है, इसी को हम नियतिवाद कहते हैं। महावीर स्वामी ने 527 BC में राजगृह के पास में स्थित जो पावापुरी एक स्थान है वहाँ पे उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। ठीक, शरीर त्याग को क्या बोलते हैं यहाँ पर, संलेखन द्वारा शरीर को त्यागा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। महावीर स्वामी के पंच महाव्रत थे कौन कौन से थे, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह जो थे वो क्या थे, पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे, लेकिन जो ब्रह्मचर्य है तो ये महावीर स्वामी ने दे दिया, तो ये पाँच महाव्रत इनका नाम दिया गया। फिर बात करते हैं, महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, मतलब कि वेदों की जो कटाक्ष है, वेदों का जो एक प्रमाणक रहा है उसको इन्होंने मानने से इनकार किया तथा धार्मिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों एवं नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया था। आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़ दिया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने अपनाया बीच का मार्ग, जिसे कहते हैं अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद को सप्तभंगीमय भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब स्यादवाद क्या है, स्यादवाद जो है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत प्रदर्शित करता है। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। अब इसमें कुछ है प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके कुछ प्रतीक चिन्ह रहे हैं, तो हम देखते हैं तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह के बारे में। तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, इनका जो है प्रतीक चिन्ह है बैल। अजितनाथ हैं, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभवनाथ का अश्व, पद्म प्रभु का कमल है, सुपार्श्वनाथ साथिया या स्वास्तिक, तो सथिया भी आ सकता है ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना सथिया का मतलब स्वास्तिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्लिनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश है। नमीनाथ और नेमिनाथ दो लोग थे, तो नमीनाथ और नेमिनाथ में कन्फ्यूज नहीं होना, तो नमीनाथ का नीला कमल था और नेमिनाथ का शंख। पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। और अंत में महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह रहा है वो है सिंह, मतलब शेर। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष के तीन साधन बताए गए, वो भी कौन कौन से थे। मोक्ष के जो तीन साधन थे वो थे त्रिरत्न कहे जाते थे। त्रिरत्न मतलब तीन रत्न थे, कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा था कि उन्होंने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो दुख है, दुख का कारण क्या है, अज्ञानता है, और अज्ञानता को दूर कैसे किया जाए।
ठीक है, अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो उस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमको अष्टांगिक मार्ग अपनाना होगा। तो उसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक शरीर, सम्यक आचरण, सम्यक वाक, सम्यक दर्शन, सम्यक व्यायाम, ऐसे करके उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। तो उसे ही इन्होंने मोक्ष के लिए 3 साधन बताए, कौन कौन से थे, सम्यक दर्शन, सम्यक विज्ञान और सम्यक चरित्र। तो सम्यक का मतलब क्या होता है, सम्यक का मतलब होता है क्या, समान या फिर अच्छा, ठीक है ना, समय का मतलब समान या अच्छा। अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। अगर आप त्रिरत्न का अनुसरण करते हैं, तो आपके कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, और इसी को कहते हैं समर। समर किसको कहते हैं कि त्रिरत्न का आप अगर अनुसरण करते हैं तो कर्मों का जो जीव की ओर प्रवाह होता है वो रुक जाता है, उसी को हम समर कहते हैं। और समर के बाद जो होता है वो जीव में पहले से व्याप्त जो कर्म होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। पहले तो आप त्रिरत्न का अनुसरण करें, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो कर्म है, कर्म हो है, वो जीव की ओर प्रवाह उसका रुकेगा। जीव का प्रवाह जब रुकेगा तो वो हो जाएगा समर। समर के बाद क्या हो जाएगा कि जीव में पहले से जो व्याप्त कर्म है वो समाप्त हो जाएंगे, और जब वो कर्म समाप्त हो जाएंगे तो उनको कहेंगे निर्जरा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। हमें वीडियो इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आगामी परीक्षाएं जो है हो सकता टाइम से ही होंगी, तो उनको क्या है कि उस हमें एग्ज़ाम से पहले सिलेबस भी कम्प्लीट करना है, और आप लोगों को कम समय में कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा देना भी है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि हमने एक ड्राफ्टिंग कर रखी है, तो आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि अगस्त में एग्ज़ाम है, फिर सितंबर में भी एग्ज़ाम है, तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखा करें, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। ठीक है, बात करते हैं, जब जीव में कर्म का अवशेष पूरी तरह से समाप्त हो जाता तो वही होता है मोक्ष की प्राप्ति। अब पहले तो कर्म था, कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुका तो हो गया समर। समर के बाद क्या होगा, समर के बाद जीव में जो पहले से व्याप्त कर्म है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। समाप्त हुआ तो हो गया निर्जरा। निर्जरा के बाद इस तरीके से अब ये है समर। ठीक है, पहले तो समर होगा, समर हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा आपका निर्जरा, निर्जरा हुआ, फिर उसके बाद होगा आपका क्या होगा मोक्ष। ठीक है, पहले समर, फिर निर्जरा, फिर उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरीके से आप इसका क्या करें, इसका वो आप याद रखें क्रम। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की बात की गई, अनंत चतुष्टय जो थे वो 4 ही थे, वो कुछ अनंत चतुष्टय थे। तो क्या थे कि इसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की बात की गई है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन जो था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ का पहला अध्यक्ष बना, और ये सुधर्मन के बाद जम्बू, संभूत, विजय, भद्रबाहु। सुधर्मन के बाद कौन कौन हुए, जम्बू हुए हैं, संभूत विजय हुए हैं और भद्रबाहु अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इनको क्रमवाइज याद करिए। कैसे, पहले तो कौन, महावीर स्वामी, उनको तो याद रखिए पहले भाई, उसके बाद आपके सुधर्मन हुए, सुधर्मन के बाद कौन आएंगे, जम्बू आएंगे, जम्बू आ गए, ठीक है, अब कौन आएंगे, अब आएंगे संभूत, संभूत विजय, संभूत विजय आ गए। अब संभूत विजय के बाद कौन आता है, ध्यान में रखना है, तो भद्रबाहु आते हैं भाई। अब भद्रबाहु कौन है, ये हमने बताया था, अभी बताया नहीं, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। क्यों भद्रबाहु जो है वो किसके थे, भद्रबाहु जो थे
दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं, उसका नेतृत्व करता रहे हैं ये भद्रबाहु। और स्थूलभद्र कौन थे? स्थूलभद्र श्वेतांबर के नेतृत्व करता थे। तो आप अभी आगे पढ़ेंगे कि वो अकाल पड़ता है एक बार, तो अकाल पड़ने से क्या होता है कि स्थूलभद्र रुक जाते हैं, लेकिन जो ये होते हैं आपके भद्रबाहु, ये क्या करते हैं, ये अपने कुछ अनुयायियों के साथ भाग जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं ये स्थान छोड़ के। फिर एक वो कुछ दिन के बाद जब वापस आते हैं तो यहाँ पे स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों में कुछ इनके विचारों का कुछ मेल मिलाप नहीं हो पाता है। तो वो क्या होता है कि दो संप्रदायों में यहाँ पे विभाजन हो जाता है जैन धर्म, और जैन धर्म का जो दो संप्रदाय विभाजन होता वही होता श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो भद्रबाहु किससे संबंधित है? दिगंबर से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये जो संभूत विजय और भद्रबाहु हैं, ये महावीर द्वारा प्रदत्त पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति रहे हैं। संभूत, अगर क्वेश्चन आता है कि महावीर द्वारा प्रदत्त पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम दो व्यक्ति कौन हैं, या स्टेट ऐसे आ जाए कि महावीर द्वारा प्रदत्त पूर्वों को के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति कौन कौन थे, तो संभूत विजय, भद्रबाहु, सुधर्मन, जम्बू। ठीक है, अगर इस तरीके से नाम आता तो आपको संभूत विजय और भद्रबाहु के ऑप्शन को चूज करना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अंतिम नंद राजा के समय के थे कौन? संभूत विजय। संभूत विजय जो थे अंतिम नंद राजा के समय के थे, और अंतिम नंद राजा कौन? धना नंद था। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैन संगीति, जैसे बौद्ध धर्म में हमने बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ा था, बौद्ध संगीति की जो अंतिम बौद्ध संगीति होती है उसका वो होती है कुंडलवन कश्मीर में 102 एडी में, और राजा रहता है कनिष्क, और इसके जो रहते हैं आपके क्या बोलते हैं अध्यक्ष, वो कौन है अध्यक्ष, कौन कोई रहता है ना इसके। तो चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में होती है, राजा थे कनिष्क। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे बात करें जैन संगीति, तो जैन संगीति की जो प्रथम जैन संगीति है वो 400 BC में होती है, पहली जैन संगीति 400 BC में होती है। अध्यक्ष रहते हैं स्थूलभद्र, स्थान है कौन सा? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पहली जैन संगीति होती 400 BC में, इसके पहले इसके अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र और स्थान है पाटलिपुत्र। इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दूसरी बौद्ध संगीति आती है, जैन संगीति आती सॉरी, तो दूसरी जो जैन संगीति आती ये 6वीं शताब्दी में स्टार्ट होती है। इसके अध्यक्ष होते हैं देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रमण, तो नाम दोनों का एक ही है, उनको चाहे देवर्धिगढ़ कहें, उन्हीं को चाहे क्षमा श्रमण बोल दें। जगह का नाम है वल्लभी। इसमें क्या क्या किस किस चीज़ का संकलन हुआ है? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन किया गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता, तो आगम को क्या है? आगम जो है वो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र की गणना इसी आगम के तहत की जाती है, इस बात को ध्यान से रट लें, इसको याद भी कर लें। ठीक है, ताकि ये आपको भूले ना, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछा जाए। आगे बात करते हैं छेद सूत्र के बारे में। छेद सूत्र क्या है? भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का उल्लेख किया गया है इसमें। छेद सूत्र में भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का उल्लेख किया गया है, और इसमें कल्प, पंचकल्प, निषिद्ध, महानिषिद्ध, व्यवहार, आचार दशा क्या क्या है इसमें। छेद सूत्र में कल्प है, पंचकल्प है, निषिद्ध है, महानिषिद्ध, व्यवहार, आचार और दशा, ये है छेद सूत्र। 6 छेद सूत्र है ना, कल्प, पंचकल्प, निषिद्ध, महानिषिद्ध हो गए, व्यवहार 5 हो गया, आचार दशा 6 हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखें। आगे चलते हैं मूल सूत्र के बारे में बात करते हैं। मूल सूत्र में क्या था भाई? मूल सूत्र में जैन धर्म का उपदेश है, और इसमें विहार के जीवन के बारे में बताया गया है, भिक्षुओं के कर्तव्य के बारे में बताया गया, और यम नियम के बारे में बताया गया है। मूल सूत्र जो है 4 थे, तो 4 मूल सूत्र जो थे उसमें बताया गया है जैन धर्म का उपदेश में विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य और
यम नियम का वर्णन किया गया है। अब मूल सूत्र की संख्या कितनी है? चार है। कौन कौन सी है? मूल सूत्र की संख्या चार है, तो कौन कौन सी? दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, खड़ावश्यक, पिंड निर्युक्ति या पाक्षिक सूत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंद सूत्र और अनुयोग सूत्र जो है वो जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ हैं। आप बात करते हैं जैसे कि नंद सूत्र और अनुयोग सूत्र की अगर हम बात करें तो यह जो है जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ हैं ये दोनों। ठीक है, अनुयोग सूत्र ये जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इसे नहीं स्वीकार करते हैं। किसे? नंद सूत्र और अनुयोग सूत्र को। नंद सूत्र अनुयोग सूत्र को दिगंबर संप्रदाय के लोग स्वीकार नहीं करते हैं और यह जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है कि जैन ग्रंथ और उसके रचनाकार हैं। अब देखिए जैन ग्रंथ और रचनाकार, जैन ग्रंथ क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के लेखक कौन है भाई? हेम, ये भद्रबाहु। भद्रबाहु वही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा परिशिष्ट पर्वन, उसके लेखक हैं हेमचंद्र। स्यादवाद मंजरी के लेखक हैं मल्लीसेन। द्रव्य संग्रह के लेखक हैं नैमिचंद्र। ठीक है, न्याय अवतार के लेखक हैं सिद्धसेन दिवाकर। तत्वार्थ सूत्र के लेखक हैं उमा स्वामी। न्याय दीपिका के लेखक हैं धर्मभूषण। श्लोक वार्तिक के लेखक हैं विद्यानंद स्वामी। और पंचविंशतिका के लेखक पद्मनंदी को माना जाता है। प्रवचन सार के लेखक रहे हैं कुंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैन साहित्य में संप्रति जो है अशोक के पौत्र थे। संप्रति, अशोक के पौत्र जो संप्रति थे उनके बारे में बताया गया है जैन ग्रंथों में कि उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, जो कि उज्जैन का एक शासक था। कौन? संप्रति। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन, क्या क्या थे? उज्जैन और मथुरा। कलिंग का जो चेदी शासक था खारवेल, वो जैन धर्म का संरक्षक था, महान संरक्षक था। कलिंग का चेदी शासक जो खारवेल था वो जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने उदयगिरी और खड़गिरी क्या कौन सी? उदयगिरी और खड़गिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाया था। खारवेल ने उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाया था। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिर और हिंदू, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और इस चीज़ को ध्यान में रखें कि खजुराहो का जो मंदिर है वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। आगे बात करते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ? माउंट आबू में है। ठीक है, माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। यह संगमरमर से निर्मित है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण करवाया था भीमदेव प्रथम के सामंत थे विमल शाह। चालों के शासक जो भीमदेव प्रथम थे उनके सामंत थे विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। श्रवण बेल गोला कहाँ है? श्रवण बेल गोला कर्नाटक में है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? सलेखड़ा के द्वारा मृत्यु को प्राप्त किया था, देह त्याग किया था। कुल मिला के कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखड़ा के द्वारा देह त्याग किया था। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। गंग शासक अगर रचमल के शासन काल में चामुंड राय जो मंत्री थे उन्होंने बाहुबली की विशालकाय जैन प्रतिमा का निर्माण करवाया था। इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि गंग शासक रचमल थे, उनके शासनकाल में उनके मंत्री थे चामुंड राय, उन्होंने बाहुबली की विशालकाय जैन प्रतिमा का निर्माण करवाया। तो इसका मतलब ये है कि श्रवण बेलगोला में जो चामुंड राय ये रचमल थे, चामुंड राय थे, उन्होंने क्या, वो क्या, जैन धर्म के संरक्षक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहुबली कौन है? बाहुबली पहले तीर्थंकर जो रहे हैं, पहले जैन तीर्थंकर जो रहे हैं और ऋषभदेव के पुत्र हैं। ये बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र हैं। और यहाँ पे कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में बाहुबली के यादगार में बाहुबली के लिए महामस्तक अभिषेक उत्सव का आयोजन होता है, वो भी हर 12 साल पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नीचे देखिए श्रवण बेलगोला लिखा गया है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय थे, हमने बताया था।
तो एक के स्वतापर के रहे हैं स्थूलभद्र, दिगंबर के रहे हैं भद्रबाहु। ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करते थे कौन? श्वेतांबर, लेकिन दिगंबर नग्न रहते, वो इन दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। ठीक है, स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव थी श्वेतांबर के अनुसार, श्वेतांबर के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव थी, लेकिन दिगंबर के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की बात करते हैं कौन? श्वेतांबर लोग। श्वेतांबर लोग कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति हो जाए उसके बाद भोजन किया जाए, लेकिन दिगंबर कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप खाना तो खा ही सकते हैं। ठीक, महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं कौन? श्वेतांबर लोग। श्वेतांबर लोग महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं, लेकिन दिगंबर अविवाहित मानते हैं उनको। ठीक है, अब श्वेतांबर के अनुसार 19वें जो तीर्थंकर थे मल्लिनाथ, वो स्त्री थे। श्वेतांबर संप्रदाय वाले बोलते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जो थे वो स्त्री थे, लेकिन दिगंबर लोग कहते नहीं, वो तो पुरुष थे। ठीक है, जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता था। बात को ध्यान में रखना है आपको कि जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता था। इसमें कुछ जैन के सिद्धांत, जैन सिद्धांत कुछ दिए, कौन कौन से इसके इनके सिद्धांत? भाई, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है? तपश्चर्या। अगर कर्म को ख़त्म करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा मार्ग है कि आप तपस्या करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, दूसरा सिद्धांत इनका था कि प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। तीसरा सिद्धांत था कि कर्म जो है आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए या कर देना चाहिए। तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। अभी हम ऊपर पढ़े थे समर, उसके बाद निर्जरा, उसके बाद मोक्ष। तो वही कि कर्म को विनष्ट करने का सबसे सुनिश्चित मार्ग है कि तपस्या आप करिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट भी कीजिए। अगर मान लीजिए कोई कमी है तो आप उसको कमेंट करके बताएं, उसको सुधार करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ भी गलत तरीके से ना बताया जाए। इसके साथ में आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और इसके अलावा कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें, उनको भी इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि वो भी घर पे ही हैं तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आपको फ़र्ज भी बनता है कि आप लोग ये काम करें, और बाकी पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।